कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी है 9:15 या 20 और आज की सुबह है कुछ अलग। हमेशा क्या हम उठते हैं वही डेली वाला काम करते हैं, वॉक पे जाते हैं, पर रात को पतिदेव अपने जो पार्टी में गए थे डिनर पार्टी में उससे बहुत लेट आए थे, तो हमने जो वॉक है वो स्किप कर दी। आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए, उठे घर का थोड़ा बहुत काम किया और सब्जी सामान लेने गए। और मैं लाई हूँ ब्रेड, क्योंकि आज डिनर पे कोई आने वाला है तो आज मैं बनाऊंगी कबूली, जिसके लिए मैं ब्रेड ले आई हूँ। मिठाई मैंने कल ही बना दी थी, आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनी। मैंने बनाया था मैंगो लड्डू। और बस अभी जो सब्जी सामान लाए हैं वो रखेंगे जगह पे, और बाकी आज के दिन में जो कुछ करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस ये सब्जियाँ लाई हूँ, पुदीना लाई हूँ क्योंकि कैरी पन्ना बनाऊँगी, कैरी पन्ना ख़त्म हो गया है, और बस यही सब है। और एक मैंने कैरी गुंदा बनाया था, कैरी गुंदे की सब्जी पड़ी है, कल बनाई थी कैरी गुंदे वो पड़े हैं। आज काचरी की चटनी बनाऊँगी, 2 सब्जियाँ और बनाऊँगी, कबूली बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, जो भी सोचा था फालूदा लेके आऊंगी, फालूदा भी बनाऊंगी, लेकिन फालूदा लाए नहीं, भूल गए। तो चलिए ये सब सामान जगह पर रख देते हैं और आपसे मिलेंगे अब सीधा शाम को जब हम बनाएंगे डिनर। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप कबूली बनाओ तो हमारे साथ जरूर शेयर करना, तो पक्का आज मैं कबूली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी बिरयानी बनाऊंगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, लेकिन पता नहीं कब बनाऊंगी, लेकिन कबूली की रेसिपी आज ही शेयर करूंगी। और एक आया था चक्की की सब्जी, तो चक्की की सब्जी जब बनाऊंगी तब पक्का शेयर करूंगी, अभी तो मेरे पास चक्की है नहीं। तो जी अभी है टाइम 2:30 हैं और मैं आई हूँ किचन में। आज ना मेरा इतना तेज सर दर्द हो रहा है, ये जो ये पूरा हिस्सा है ना यहाँ से ये पूरा, मेरी ना आंखें कमजोर हो रही है, आंखें वीक होने की वजह से हम क्या जाते हैं लेंस कार्ड पे चश्मा बनवा के आ जाते हैं, भाई अच्छा ये चश्मा कम दिख रहा है दूसरा चश्मा बनवा लेते हैं। अब मैंने इनको बोला आप मेरी ना आंखें चेक करवा दो, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवा दो, तो अभी देखते हैं कब दिखाते हैं। तो उसकी वजह से ये मेरा पूरा पेन हो रहा है, हालांकि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आंखें कमजोर हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। और आप लोग बताइएगा कि अगर आप में से किसी की भी आंखें वीक हुई है और इस तरह की कोई भी दिक्कत आई है ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया हो कि हाँ ऐसा होता है आंखें कमजोर होने की वजह से। तो मैंने अभी क्या दोपहर में सोने की कोशिश की, नींद मुझे आई नहीं, और मैंने सोचा चलो फिर मुझे खाना तो बनाना ही है, काफ़ी कुछ बनाना है, मुझे टाइम भी लगेगा, तो मैं आई हूँ यहाँ पर मेरे लिए कॉफ़ी बनाने। और मैंने ली है टैबलेट ताकि मेरा सर थोड़ा सा ठीक हो जाए, चाहे किसी भी रीजन से है, लेकिन सर ठीक नहीं होगा ना तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, और बनाना बहुत कुछ है तो फिर टाइम भी लगेगा। तो बस मैंने कहा पहले अच्छे से एक कॉफ़ी बना के पीती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो पहले मैं बनाऊँगी काजरी की चटनी और उसके बाद बनाऊँगी कबूली, और एक मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर और एक बनाऊँगी मलाई मोगर। पहले पतिदेव बोले थे आलू प्याज रतालू की सब्जी बना, फिर आलू प्याज रतालू सब्जी ना उसको भी फ्राई करना पड़ता है, तो सब कुछ फ्राई ना बहुत हैवी हो जाएगा, तो फिर हालांकि मलाई मोगर भी हैवी होगा क्योंकि उसमें थोड़ी मलाई डलेगी, लेकिन फ्राइड तो नहीं होगा कुछ, इसलिए एक मलाई मोगर बनाऊंगी, एक मटर पनीर कबूली और एक थोड़ा सा ना शाही टुकड़ा बनाऊंगी झटपट वाला, बिल्कुल इतना सा बनाऊंगी हम 4 लोग खा सके, जैसे मैं, मेरे पतिदेव, रेखा और रेखा के पतिदेव, और हमारी रुद्र आएगी, रुद्र नंदिनी रेखा की बेटी, वो तो बच्ची है वो तो पत्ता ही खाएगी, तो बस थोड़ा सा शाही टुकड़ा बनाऊंगी, कैरी गुंदा मैंने कल ही बना दिया था, और थोड़ी सी रोटियां बनानी है। तो बस पहले मैं कॉफ़ी पी लूँ मस्त वाली और फिर काम शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारी कॉफ़ी बन गई है, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बर्तन में कॉफ़ी बना रहे हो, इसमें क्या दूध था, जो थोड़ा दूध था वो तो मैंने छोटे बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दिया, अब मैंने कहा इसमें बना लेती हूँ वरना छोटा बर्तन अलग से करूँगी तो मेरे बर्तन हो जाएंगे, तो बस इसी में मैंने कॉफ़ी बना ली।
A few moments later. तो जी सबसे पहले हम बनाएंगे काचरी की चटनी। पहले मैंने सोचा था कबूली बनाऊंगी, लेकिन कबूली मैं थोड़ा इसके बाद बनाऊंगी, पहले मैं बनाऊंगी काचरी की चटनी। चॉपर में मैंने प्याज और हरी मिर्ची को डाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लहसुन की कलियां, और इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो अभी हम तेल में डालेंगे जीरा और फ्लेम को कर देंगे लो, और इसमें डालेंगे जो हमने प्याज हरी मिर्ची लहसुन को काटा था वो। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इन सबको अच्छे से पका लेंगे। और मैंने ली है ये वाली काचरी, इसको मैंने छील लिया है। अभी क्या करेंगे, हम इसको चखेंगे, चक चक के हम इसको चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। वैसे सिलोडा पे जो होता है ना पत्थर पे, अगर ऐसे क्या बोलते हैं बांट के चटनी बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, पर हमारे पास नहीं है तो हम चॉपर में बनाएंगे। मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर मिक्सी में क्या है बहुत ज़्यादा पीस जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो पहले इसको हम चख लेते हैं। मीठी है, खट्टी है थोड़ी थोड़ी। किस किस को काचरी की चटनी या काचरी की सब्जी पसंद है, इसको मैं चखा नहीं, भूल गई। सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काचरी मिर्ची की सब्जी भी अच्छी बनती है और चटनी भी अच्छी बनती है। तो अब इनको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं वो पक गए हैं, और अभी हमने जो काचरी पीसी है उसको डालेंगे, और हम डालेंगे इसमें इसी के साथ में मसाले, और लो फ्लेम को कर देंगे। लो फ्लेम पे ही हम चटनी को पकाएंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर। अगर सूखी हुई लाल मिर्च मैं डालती तो वो भी बहुत अच्छी लगती थी, पर मेरे दिमाग में नहीं आया, पर कोई बात नहीं, हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च हमने पहले से डाल दी थी, अगर सूखी हुई लाल मिर्च डालते तो बहुत टेस्टी बनती है चटनी। बस अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे अच्छे से और लो फ्लेम पे पका लेंगे। और यहाँ पर हमारी चटनी धीमी धीमी आंच पे पक रही है, तब तक हम क्या करेंगे, कबूली के लिए जो दही में मसाला मिलाते हैं ना वो मिला के रख देंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल करके आए। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 2 कटोरी जितना दही लिया है, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और इन सबको हम क्या करेंगे अच्छे से मिला करके रख देंगे साइड में, और फिर बनाना शुरू करेंगे कबूली। कबूली जितनी पहले आप बना के रखोगे, मतलब 5-6 घंटे 7 घंटे कबूली पड़ी रहेगी ना, तो उनका जो फ्लेवर है मसालों का सब्जियों का वो बहुत अच्छे से आता है। कबूली हो बिरयानी हो, कभी भी आपके गेस्ट आए ना तो सबसे पहले कबूली और बिरयानी बना करके रखो, ताकि उनका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आए। आप देखेंगे कभी कबूली रात को बनाते हो, नेक्स्ट डे जब खाते हो ना तो उसका टेस्ट रात से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है सुबह। तो अभी हम इन सबको मिला करके रख देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चटनी भी बन गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको गैस को करेंगे बंद और इसको निकाल लेंगे एक अलग कटोरी में। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पूरे घर में जो चटनी की खुशबू होती है ना, मन करता बस रोटी लें, छाछ लें,
चटनी लें, खाएं और सो जाएं। तो जी अभी हम शुरू करेंगे कबूली बनाना। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हम ब्रेड को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ब्रेड को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, मेरे पास क्या पहले कॉल आ गया था मोबाइल में वीडियो चलते चलते, तो मैं बता रही थी कि अगर ना कि कुछ लोगों को ये जो कबूली है उसके अंदर ब्रेड अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं। तो अगर आपको कबूली में ब्रेड पसंद है तो आप इस तरीके से ब्राउन ब्राउन फ्राई करके निकाल लेंगे। एक्चुअली सानू का फोन आ गया था तो बस पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ या नहीं। और यहाँ पर ब्रेड मैंने फ्राई कर ली है। अभी मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको स्लाइस कर लिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और पहले जब मैं कबूली बनाती थी ना तो ये प्याज को गोल गोल काटती थी, लेकिन वो गोल प्याज जब चम्मच से खाते हैं ना तो वो सही ढंग से खाए नहीं जाते, लटकते हैं इस तरीके से। तो मैंने स्लाइस करके प्याज काटे हैं, तो अभी हम इनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो हो गए हैं फ्राई। हमें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब हम बिरयानी बनाते हैं ना तो प्याज को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कलर का निकालते हैं फ्राई करके, लेकिन अभी इतना ही फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। और मैंने एक आलू लिया है जिसको पतला पतला काट लिया है, आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। आलू को हम इतना फ्राई करेंगे कि आलू पक भी जाए और उनके ऊपर हल्का सा सुनहरा रंग भी आ जाए। और यहाँ पर हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा तेल रखा है। और इसमें हम डालेंगे जीरा। और यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन को पीस लिया है। और अभी हमने जो टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन को पीसा था वो इसमें डाल देंगे। और आपके पास जब ज़्यादा काम होता है ना तो इतने एक्स्ट्रा काम दूसरे आ जाता है ना, जैसे किसी ना किसी का कॉल आएगा, या फिर आज हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया तो पानी का टैंकर मंगवाना था तो वो आ गया, बीच में ही पानी चढ़ाते हैं तो फिर वो पानी की टंकी भर गई है कृपया मोटर बंद कर दे वो बोल जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, गैस की टंकी खत्म हो गई है, बुक कराई हुई है तो वो आ जाएगा। तो बस मैंने अभी गैस बंद कर दिया था, अब गैस को ऑन करेंगे और ये टमाटर की जो प्यूरी है इसको हम पकाएंगे। तो टमाटर की प्यूरी को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि इसमें टमाटर का कच्चापन बिल्कुल नहीं आए। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी जो टमाटर की प्यूरी है पक गई है, ऑयल अलग हो गया है। हमने ये जो दही में मसाले मिला करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे जब तक कि दही में उबाल ना आ जाए। और ध्यान रखिएगा आप कबूली के लिए जो दही ले रहे हो वो दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, और थोड़ा सा गाढ़ा होना तो और भी अच्छी ग्रेवी बनती है। आज मेरे पास दही गाढ़ा है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है, इससे भी ज़रा ठीक होगा ना तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो पहले हम इसे लगातार चलाएंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। और यहाँ पर जो हमारी कबूली की जो ग्रेवी है इसमें आ गया है उबाल। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज और आलू को फ्राई किया था ना उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। जो थोड़ी बहुत हमारी सब्जियां कच्ची है वो पक जाएगी, दही के अंदर जो पानी है वो सूख जाएगा, तब मतलब है कि हमारी जो ग्रेवी है वो हो गई है तैयार, और जो थोड़ा बहुत भी तेल था वो सेपरेट आउट हो जाएगा। फ्लेम को हम लो रखेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी पक रही है, साथ में मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। चावल डाला, पानी, नमक, 4 या 5 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और 2 लौंग। मेरे पास बड़ी इलायची नहीं है, अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो वो भी डाल दीजिएगा। चावल को हम 70-80% तक कुक करेंगे। और इस कबूली में मैं ना फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो एप्पल या अंगूर भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो अगर आपको काजू पसंद है तो। और इसी के साथ में मैंने बना लिया है शाही टुकड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इतना सा।
और बस इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं इसको रखूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। नाइस। तो जी यहाँ पर हमारे चावल उबल गए हैं, ब्रेड तैयार है, धनिया मैंने काट लिया है, ग्रेवी तैयार है। अब हम शुरू करेंगे कबूली की लेयरिंग करना। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन जिसमें मेरा जो इसका तला है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, तो कबूली की लेयरिंग हम उस बर्तन में करेंगे जिसका तला थोड़ा सा मोटा हो, क्योंकि हम क्या गरम तवे पे इसको रख कर दम देंगे तो ये चिपकनी नहीं चाहिए नीचे, इसलिए। तो पहले सबसे पहले डालेंगे हम एक लेयर चावल की, और इसके बाद हमने जो ब्रेड फ्राई की थी वो डाल देंगे। अगर आप इसमें काजू डालना चाहते हो तो काजू को, जब हमने प्याज आलू फ्राई किए थे उस टाइम, काजू को थोड़ा सा फ्राई करके डालिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। और ब्रेड डालने के बाद, और हाँ, आप अंगूर और एप्पल भी डाल देना चाहते हो तो जब हम अभी लेयरिंग कर रहे हैं ना उस वक्त आप डाल सकते हो। और हमने जो सब्जियां पका करके रखी थी वो डालेंगे इसके ऊपर। और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, और फिर से चावल की एक लेयर, चावल की एक लेयर लगाने के बाद हम फिर से इसके ऊपर ब्रेड लगाएंगे, और फिर सब्जी डालेंगे, फिर धनिया डालेंगे, और लास्ट की लेयर चावल के लगा देंगे। और इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और लास्ट की जो लेयर है वो फिर से हम चावल की लगाएंगे। और इस पे लगाएंगे ढक्कन, और यहाँ पर गैस मैंने जला दिया है, गैस को रखा है एकदम कम। तवे पे हम इस कबूली को रखेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम दम देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गैस एकदम कम रखिएगा। और 5 या 10 मिनट बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल भी ढक्कन नहीं हटाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो जी कबूली हमारी बन चुकी है, और यहाँ मैंने काजू की चटनी भी कटोरी में निकाल दी है, और अभी मैंने बनाना शुरू कर दिया है मटर पनीर। मटर पनीर बना के मैं अलग बर्तन में निकालूंगी, फिर इसी कढ़ाई में मैं मलाई मोगर बनाऊंगी। मेरे को ना ये कढ़ाई बहुत हाथ बैठे हुई है, मतलब इस कढ़ाई में मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। छोटी सी है, अंदर खाना चिपकता नहीं है, बहुत इजीली खाना बन जाता है, तो मैं सारी चीज़ें इसी में बना बना के अलग बर्तन में निकाल रही हूँ। तो बस मटर पनीर बनाऊंगी, और यहाँ पर मैंने ना दोपहर में ही वो भिगो दी थी, धुली हुई मूंग दाल आती है ना मोगर, वो भिगो गया था, तो मलाई मोगर बना दूंगी। और थोड़ी सी रोटियां बनानी है तो साथ के साथ उनके आने से पहले ही रोटी बना दूंगी। अच्छा, मैं अब तक सस्पेंस बना के रखा है कौन आ रहा है। आज डिनर पे आ रहे हैं, शायद मैंने पहले बताया, नहीं नहीं बताया तो बता देती हूँ, बता दिया तो दोबारा बता देती हूँ। आज आ रही है रेखा, उसके पति देव और रुद्रा, वो लोग डिनर पे आ रहे हैं। हम पति पत्नी चार लोग हैं, बच्ची है वो तो कितना सा खाएगी। तो बस रोटी रोटी सब बना के रख दूंगी ताकि थोड़ी देर हम लोग बात कर सके, बैठ सके, वरना क्या होता है आप किचन में घुसे रहते हो। और कल मैंने ये मिठाई बनाई थी, इसको मैंने बोला था मैंगो लड्डू, और इसको एकदम प्लेन रखा था, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले। तो आज मैंने क्या किया है, इनको क्या है थोड़ा सा चपटा कर दिया और थोड़ी सी पिस्ता कतरन लगा दी है, और इसको पैक कर दिया है मिठाई के डब्बे में। अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ये मिठाई बनाई थी और पूरी रेसिपी शेयर की थी। तो मिठाई के डब्बे में डाल दिया है, अब देखते हैं रेखा को मालूम चलता है या नहीं कि ये मिठाई घर की है या मार्केट की। बिल्कुल मार्केट वाला लुक दे दिया मैंने इसको, और देखने में लग रहा है कि ना बाजार से लाई हुई मिठाई है। तो पहले मैंने इसको कांच के डिब्बे में पैक किया था, लेकिन अभी मिठाई के डब्बे में डाल दिया है, तो देखते हैं क्या कहती है रेखा। और ये जो डब्बा है ये है जोधपुर स्वीट्स का, और यहाँ पर हमारा मटर पनीर बनकर हो गया है तैयार।
और यहाँ पर हमारा मलाई मोगर भी हो गया है तैयार। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो जी सारा खाना मेरा बन चुका है A to Z। अब बस मुझे बनानी है रोटियाँ। रोटी बना करके रख दूंगी और थोड़ा सा घर देख लूंगी। वैसे तो घर साफ ही है, सुबह झाड़ू पोछे किए थे, उसके बाद कोई गंदा करने वाला तो है नहीं। और बस फिर इंतजार करेंगे उन लोगों के आने का। वैसे तो वो बोली थी कि हम लोग थोड़ा सा लेट ही आएंगे, मतलब 6:30, 7:30 तक। तो बस फिर पतिदेव भी आ जाएंगे और रेखा और सब आएंगे, तो मैं आपसे भी मिलवाऊंगी। तो फटाफट रोटी बना देते हैं। अभी सर्दी हुआ ना जब, तो क्या पता रोटी गरम गरम बनाए। वैसे तो ना ये लोग बोलते हैं कि नहीं रोटी बना के रख जाए करो, सब्जी गरम कर लो। तो अभी तो गर्मी है तो बस बना करके रख देंगे। A few moments later. So, जी रेखा आ गई, आजा आजा। और अभी हुआ है शाम टाइम कितना, 8:30, 9:30 लेट हो गया थोड़ा आते आते। तो अभी मैंने कबूली गर्म करने रखी है और रेखा लेके आई है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता रेस्टोरेंट, हाँ इनका खुद का रेस्टोरेंट है जोधपुर में, कहाँ, शिकारगढ़। शिकारगढ़, शिकारगढ़ नाम क्या है, अगर आप लोग जोधपुर में हो तो जरूर जाइएगा, टेस्टी टेस्टी खाना खाइएगा। मस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। और ये है हमारी दूध दूध हाय द दो हाय 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 शिवी। आप बताओ खाना कैसा है? अच्छा है, वो ऐसे बोला यम्मी। बताओ, बोलो यम्मी, अच्छा लगा, गजब बेइज्जती है। चलिए जी रेखा और चले गए हैं। बस थोड़ा सा ही मैंने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बनाना भूल गए हम लोगों ने। सबने खाना वाना खाया और फिर बर्तन वर्तन साफ किए, मैंगो शेक बनाया और बस अभी वो लोग गए हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ख़त्म कर देती हूँ और आप लोगों से मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ही ब्लॉग बनाऊँ, मैं ही काम करूँ तो मैं भूल जाती हूँ। कोई और होता ना ब्लॉग बनाने वाला तो उसको कह दे कि हाँ तुम ब्लॉग बनाना, तो ईजी रहता है। अच्छा हमको सिखा रिया है।